गुड इवनिंग। वैसे दिल्ली में हो क्या रहा है ना कि सर्दी बढ़ रही है और दिन थोड़ा छोटा हो गया, तो हालांकि टाइम तो अभी 5:15 ही हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है अंधेरा हो गया। राशिका है मेरे साथ, अतीत छुपे हुए हैं वहाँ पर, अतीत भी आ गए हैं। दरअसल इस तरह की वीडियोस पर ना अतीत को बड़ी शर्म आती है, थोड़े वो हैं, ये जेंटलमैन है। अब आज जो बात हमने करनी है, सबसे पहले वो वीडियो जो अगर आपने नहीं देखा तो आप स्पोर्ट्स तक यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है स्पोर्ट्स तक सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ जाकर उस वीडियो को देखिए। साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट है sportstak.in, वहाँ पर भी आपको ये वीडियो मिल सकता है और उस वीडियो के बारे में राशिका थोड़ा सा बताएंगी। बड़ा अच्छा होगा अगर आप उसको एक्सप्लेन भी कर दें और डेमोन्स्ट्रेट भी कर दें, क्योंकि ये वीडियो है, अरे जहीर खान की रिसेप्शन। जहीर खान की रिसेप्शन में हमारे कप्तान विराट कोहली और मिसेज इंडियन क्रिकेट अनुष्का शर्मा ने जो डांस किया है, मतलब विराट कोहली नेचुरल प्लेयर तो है ही, एक नेचुरल पंजाबी भी है और पंजाबी गाना है, और उस पर जो दोनों ने डांस किया है मज़ा आ गया। और जहीर खान और सागरिका भी साथ साथ माफ़ कीजिए झूम रहे हैं और सारे पागल हुए हुए हैं। मतलब विराट कोहली को ऐसे इस तरह बिंदास नाचते हुए आप देखकर कह नहीं सकते कि यार ये दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में से एक हैं। नेचुरल इधर भी, नेचुरल इधर भी। राशिका थोड़ा सा बताओ जरा, विराट के जो फुट स्टेप्स है वो पिच के साथ साथ हर जगह बहुत ही पॉपुलर रहते हैं। मतलब किसी भी इवेंट में जाएं, किसी की भी शादी हो, युवराज की शादी में आप लोगों ने देखा था कि विराट और अनुष्का बिल्कुल लाइमलाइट सारी अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वही सेम चीज़ विराट कोहली ने फिर से करी है रिसेप्शन जहीर खान का। लेकिन लोग देख किसको रहे, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं विराट कोहली अनुष्का शर्मा डांस, तो आप सब जानते हैं पंजाबी है तो उसके अंदर का निकल आता है। तो आप जाइए देखिए स्पोर्ट्स तक पे यूट्यूब चैनल पे हमारे, और उस पर नहीं सर थोड़ा इन्हें क्या पता नहीं, लेकिन विराट कोहली का भी मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू में सुन रहा था और उन्होंने बोला था कि थोड़े से अगर वो हिंदी कभी गाने सुनते हैं, अरिजीत सिंह के बड़े फ़ैन हैं अरिजीत सिंह के, और उसके बाद अगर उनके आईपॉड पे या उनका जो मोबाइल है तो सिर्फ ओनली एंड ओनली पंजाबी गाने चलते हैं, और ड्रेसिंग रूम में भी पंजाबी। लेकिन अंग्रेजी सुनते हैं, वो विराट ने अपने इंटरव्यू में कहा था, जिसमें विराट ने बोला कि उसको मुश्किल से 5 वर्ड्स भी नहीं समझ आते होंगे अगर पूछें, लेकिन अगर उसका आईपॉड लगाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाबी गाने हैं। विराट कोहली इज वेस्ट दिल्ली के पंजाबी टिपिकल। और उस अतीत ने जो भी कहा था, अतीत सर ने जो कहा था, अतीत सर के अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन जैसा आपने बोला ना सर, इस टाइप के वीडियोस पे जेंटलमैन है। कभी नहीं, आप में से अगर जो लोग चाहते हैं कि अतीत, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक चीज बताऊं, तो वो यस, मैं एक चीज बताऊंगा आपको, बहुत एक फेमस लाइन, एक लाइन है इनकी, इनसे जब भी बोला जाता है कोई भी ऑफिशियल, कभी भी कोई ना कोई पार्टी हो तो ये एक इनको बोला जाता है कि आप आओ, तो ये बोलते हैं मेरी वाइफ नहीं मुझे नचा पाई तो आप क्या नचाओगे, या आपकी, आपको क्या पता, आपकी, आपने ये बोल दिया मरवा दोगे आप मुझे, हम मरवा दोगे मुझे। बट ये है कि विराट और अनुष्का की जोड़ी यार दिखती तो खूब है, मतलब गॉड ब्लेस देम दोनों, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। आमतौर पर हम क्रिकेट माइंडेड नेशन है ना, हम कहेंगे यार कि अनुष्का की बड़ी किस्मत है कि विराट कोहली जैसा सुपरस्टार उनके साथ है। आई थिंक विराट ने भी जो बात की है वो भी सही है कि विराट की भी बड़ी अच्छी किस्मत है कि अनुष्का, क्योंकि मुझे लगता है अनुष्का ने बहुत पॉलिश किया है विराट को, आप देखें ये फैक्ट है ये। आपने बिल्कुल मेरे मन की बात, यस मतलब यस अतीत, जैकेट उतार सकते हैं आप। नहीं नहीं आप ये सुनिए कि जब जब विराट रेस्ट रेस्ट जब जब विराट रेस्ट मांगते हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं क्रिकेट से, तो लोग ये खबरें सामने आ जाती हैं, रूमर्स आ जाती हैं कि शादी कर रहे हैं। आप भी कल परसों बात कर रहे थे कि बड़ी रूमर्स चल रही हैं कुछ स्विट्जरलैंड को लेकर, क्या है रूमर्स ही हैं दर्शकों को? हाँ नहीं, रूमर्स ये चल रही थी कि शायद स्विट्जरलैंड तो नहीं जा रहे हैं, छुट्टी क्यों मांगी है स्विट्जरलैंड में। फिर मैंने कहा यार दिसंबर के महीने में स्विट्जरलैंड में शादी, मतलब आप समझ रहे हैं वहाँ पे दिन में -5 -7, मैं पिछले साल गया था अतीत, धूप निकली होती है तेज और लगता है कि वाह यार फोटो बड़ी अच्छी आई है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं, तो पता नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं। लोग उनका जो एड आया था मान्यवर का अभी, उससे भी कनेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो एक हिंट था उनके फैंस के लिए या कुछ भी। और एक और बात थी सर कि अनुष्का भी, मैंने कहीं पे पढ़ा कि अनुष्का भी दिसंबर में कोई मूवीज वगैरह साइन नहीं करी, कोई प्रोजेक्ट नहीं ले रही है, मैंने कहीं पे पढ़ा, तो मेबी दिसंबर अभी आना बाकी है और दिसंबर का जाना भी अभी बाकी है 2019 के वर्ल्ड कप के बाद ही। अच्छा आप क्यों ये सोच रहे हैं कि वो दोनों अभी शादी नहीं करेंगे, मुझे एक वजह बताइए। मुझे
वैसे ही मुझे लग रहा है कि दो नहीं, आपको लग रहा है क्या मतलब, आप एक वजह बताइए। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से दोनों ने अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। विराट को शादी से क्या है? सचिन तेंदुलकर मैरिड यंग, राहुल द्रविड़ मैरिड यंग, दादा मैरिड वेरी यंग, दादा को तो ऐसे लगता है बहुत ज्यादा जल्दी थी। तो क्रिकेटर्स का क्या है? वीरू मैरिड यंग, वीरू मैरिड यंग, तो व्हाई नॉट विराट कोहली? इस टीम में सिर्फ एक ही बैचलर है पूरी टीम में, विराट कोहली कप्तान ही रह गए, बाकी सब एवरीबॉडी इज टेकन। तो आपको क्यों लग रहा है? आपको अनुष्का से तो नहीं लग रहा कि अनुष्का का फिल्म करियर है और मैरिड फीमेल एक्ट्रेसेस के लिए मुश्किल होता है? आपको लगता है? ये तो राशिका से पूछे, मुझे तो इस बात का कुछ आईडिया, मुझे तो नहीं लगता सर। और मेरे ख्याल में तो अगर वो दोनों शादी कर लें, आई डोंट नो अनुष्का की मूवीज के बारे में, लेकिन ये वो जो ब्रांजलिना था ना, ये विरुष्का, इससे बड़ा ब्रांड नहीं हो सकता। मतलब उसके बाद ये बहुत बड़ा ब्रांड हो जाएगा। मेरा फोन आ रहा थी तो आप जरा पकड़िए। आपको भी ये लगता है ब्रांड? सर देखिए, विरुष्का तो ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, तो ठीक है। मतलब वैसे भी मैंने जहाँ तक पढ़ा है और सुना है, उनकी शादी नहीं है, उनकी एंगेजमेंट का प्लान है दिसंबर में। हाँ, तो ये उनकी शादी का प्लान नहीं है अभी तो। ये सब रूमर्स हैं? ये सब रूमर्स हैं, ये सिर्फ बातचीत है। ये आईपीएल अड्डा है, ये क्या क्रिकेट अड्डा है? ये सिर्फ क्रिकेट अड्डा है, इसको आप सीरियसली मत लीजिए। काल्पनिक नहीं है, देखिए काल्पनिक चलता, चिंगारी कहाँ निकले और कहाँ पर आग लग जाए ये पता नहीं चलता। वक्त जो है एकदम, देखिए भगवान करे, होना तो है ही है, कोई इसमें देयर इज नो टू डाउट्स अबाउट दैट, होना तो है ही है। चलिए अब मैं यहाँ से थोड़ा क्रिकेट पे चलूँ, श्रीलंका की भी नाचने की बारी आ गई है दिल्ली में। दिल्ली में दिन जो है वो छोटा होना शुरू हो गया है, ठंड बढ़नी शुरू हो गई है और ऐसी कंडीशंस होंगी अतीत की, स्विंग हो ना हो गेंद सीम तो होगा सुबह, खासकर सुबह, शाम को, शाम को क्यों नहीं, 3:30-4 बजे के बाद, वाई नॉट? डिपेंड भी करेगा, जैसे हम आज दोपहर को स्पोर्ट्स तक पे भी चैट कर रहे थे तो धूप खिली हुई थी, लेकिन आने वाले दिनों में स्मॉग का बड़ा विक्रांत, और धूप निकलती है नहीं निकलती, बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे। धूप आज तो है, लेकिन मैं फोरकास्ट पढ़ रहा था और आई होप ये फोरकास्ट गलत हो, कह रहे हैं कि अगले 3 दिन दिल्ली में फिर से स्मॉग वापस आ जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगी। अब पॉल्यूशन होने का मतलब है कि ऑब्वियसली धूप नहीं होगी, लाइट कम हो जाएगी, और पॉल्यूशन होगा तो यार टेस्ट मैच में बड़ी दिक्कत आएगी। ऑब्वियसली प्लेयर्स को तो आएगी, लेकिन फिर क्राउड भी ग्राउंड कैसे जाएगा? तो आई होप ये फोरकास्ट गलत हो, बरसात आ जाए, एक दिन बीच में बरसात आ जाए तो शायद जो पॉल्यूशन की हम फिलहाल, तो मुझे आज पता नहीं क्यों बादल तो मतलब ये आसमान साफ लग रहा है, आसमान बारिश हो जाए, क्योंकि वैसे भी बारिश ने टीम इंडिया का साथ छोड़ा नहीं है। सही बात है, हर मैच इनको दिल्ली में ही खिला दो आप, हर मैच दिल्ली में। लेकिन श्रीलंका क्या सोच रहा होगा? यही बराबरी के बारे में सोच रहा होगा, और क्या सोच सकते हैं, अभी तो उनके लिए और कुछ रास्ता नहीं है। लेकिन उनकी हिम्मत होगी सोचना तो पड़ेगा, आप जीत के बारे में नहीं सोचेंगे तो पहले से ही अगर घुटने टेक देंगे तो फिर कैसे मैदान में जाएंगे? लगता है उनके ड्रेसिंग रूम में वो डिफीटेस्ट माइंडसेट तो ऑलरेडी है, खेलना है, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको तो खेलना ही पड़ेगा, मैदान में उतरना ही पड़ेगा, आप पहले से ही अगर हार के बारे में सोचेंगे तो फिर कैसे जाएंगे? लेकिन एक और अपडेट है, ICC रैंकिंग्स में चेतेश्वर पुजारा नंबर 2 पर पहुंच गए हैं, नंबर 4 पर थे, विराट कोहली नंबर 5 पर हैं, साथ ही साथ रविंद्र जडेजा दोबारा से ICC बॉलर्स रैंकिंग, टेस्ट रैंकिंग्स की बात कर रहा हूं मैं, पुजारा की भी और जडेजा की, जडेजा भी नंबर 2 और अश्विन तो नंबर 4 पर थे, 4 पे रहेंगे, 300वां विकेट लिया था उन्होंने। अश्विन की 300 विकेट बड़ी तेज़ आई हैं, लेकिन जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, 400, 500, 600, 700, 800 मेरे ख्याल हर में मुरलीधरन है, 700 पहले शेन वॉन की थी या मुरलीधरन की हुई थी? नहीं, जिसकी भी हुई हो जल्दी तो फिर क्विकेस्ट तो बाद में मुरली का ही हुआ ना। तो अब यहाँ से चैलेंज है, क्योंकि तकरीबन इसी वक्त आकर 300 के बाद से ही मुरलीधरन ने वो स्कोरशीट अपने हाथ में ले ली थी, और हर मैच में लगता था वो 15-15 विकेटें, ए क्योंकि 300 से 400 उन्होंने बहुत जल्दी, और बी अब आपको भारत में नहीं खेलना, अब आपको बाहर जाकर खेलना है, आपको अब ये 4 टेस्ट में आपको साउथ अफ्रीका में खेलने हैं, फिर 4 टेस्ट मैच अगले साल आपको इंग्लैंड में खेलने हैं, फिर उसके बाद होम सीरीज ऑब्वियसली होगी, वेस्ट इंडीज़ या कोई गरीब टीम आएगी, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना 4 टेस्ट खेलने के लिए, फिर न्यूजीलैंड खेलने आपने 3 टेस्ट, तो आपके पास कम से कम 15 टेस्ट मैचेस जो हैं वो अवे हैं, 18 यहाँ खेलने हैं, अभी में आपको मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 टेस्ट मैच अगले 1.5 साल में। तो पता नहीं, अगर मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से ये विकेटें ले रहे हैं, इसका 60-70% भी अगर ये विदेश में जाकर कर दें तो फिर भारत विदेश में भी लगातार जीतता ही रहेगा। और अश्विन की ये स्पीड, जिस तरह से आपने कहा लगातार 3 साल हो गए थे हर साल 50-50-50-50, अब आने वाले वक्त में मुश्किल होगा। यू नेवर नो अतीत, अनिल कुंबले ने बाहर जाके विकेटें निकाली हैं, हरभजन सिंह ने बाहर जाके विकेटें निकाली हैं, तो देखिए
अब राइट ऑफ भी नहीं कर सकते, हम इस बेसिस पे भी नहीं कह सकते कि आज से चार साल पहले साउथ अफ्रीका में फेल हो गए थे, फिर न्यूजीलैंड में बाहर बैठ गए, इंग्लैंड जाके फेल हो गए, ऑस्ट्रेलिया में फेल हो गए, तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी ऐसा होगा। आप हर बड़ा खिलाड़ी अपने आप को री इन्वेंट तो करता ही है, री इन्वेंट करता है और नई नई चीज़ें ईजाद भी करता है। यू नेवर नो, आई होप कि अश्विन हो या जडेजा हो या कुलदीप यादव हो, जो भी हो, एक स्पिनर अगर भारत जाके खिलाएगा तो वो स्पिनर सिर्फ ये ना हो कि आए यार आज 10-15 ओवर डाल दो फास्ट बॉलर को थकाने के लिए, नहीं, अगर वो पार्टनरशिप्स तोड़ पाए। मैं ये तो नहीं एक्सपेक्ट करता कि विदेश में जाकर वो इनिंग्स रन थ्रू कर देंगे आपके स्पिनर्स, बट अगर दो तीन विकेटें देते रहेंगे ना तो आपकी टीम का बड़ा फायदा होगा। तो अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। ये फेसबुक चैट है, आज तक फेसबुक चैट है, और फिर से आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का जो जहीर खान की रिसेप्शन में कल रात को उन्होंने डांस किया, वो यूट्यूब चैनल जो हमारा है स्पोर्ट्स तक, आप अगर जाएं सब्सक्राइब करें, वो आपको पहला या दूसरा दिख जाएगा शायद, जाते ही आप टॉप में न्यूज़ में पेज पे दिख जाएगा, मज़ा बड़ा आएगा। छोटा सा वीडियो है, शायद 1-1.5 मिनट का है, 1-1.5 मिनट का है, वो पंजाबी गाने हैं, पंजाबी बीट्स हैं, वो हॉल के अंदर हैं, ताज महल में शायद, होटल मुंबई में शायद रिसेप्शन थी। यार विराट कोहली का तो फैन हूँ मैं, क्योंकि वो बिंदास इंसान है, ही लिव्स इन द मोमेंट, मैं मेरे ख्याल से, और जो उनका एटीट्यूड है वो इसीलिए, उनका सक्सेस भी तो देखिए, उन्होंने सब कुछ जो फोकस है हमेशा जो चीज़ है जो उस मोमेंट पे है उस पर फोकस उन्होंने रखा है, रन बनाने तो रन बनाने, कप्तानी सब कुछ मैदान पर है तो मैदान पर, मैदान के बाहर भी उनकी जिंदा दिली और उनका जो ज़िंदगी जीने का अंदाज़ है, चाहे उनकी फिटनेस रिजीम हो या फिर इस तरह से एंटरटेनमेंट, वो अपनी दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, आई मीन वो अपनी लव लाइफ को, अपने प्रोफेशन को, अपनी फैमिली को, सबको बैलेंस करके रखते हैं। थैंक यू वेरी मच यार। दर्शक का नाम क्या है? इनका नाम है मनीष कुमार मीना। मनीष जी थैंक यू, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। एंड बाकी दर्शक भी, अगर दर्शकों का भी, स्पोर्ट्स तक यूट्यूब चैनल पे जाइए, 8 बजे चैट भी होने वाली है, फेसबुक पर भी है, उस पर आपको दिलचस्प कहानियां भी मिलेंगी, लेकिन यूट्यूब स्पोर्ट्स तक पर जाइए, साथ ही साथ sportstak.in ये वेबसाइट है, उसमें भी बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। और आज रात 8 बजे शायद भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े विवादों में से एक, सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल का, आज दो विटनेसेस हैं हमारे साथ स्पोर्ट्स तक यूट्यूब चैनल पर, और वो दो विटनेसेस हैं जिन्होंने अपनी आंखों वो सारा विवाद होते देखा। ग्रेग चैपल से बात होती थी उनकी और सौरव गांगुली से बात होती थी, सौरव से थोड़ी ज़्यादा होती थी, उस वक्त क्या चल रहा था BCCI में, क्या चल रहा था, और वो फ्लाइट जो जिम्बाब्वे से सीधा मुंबई आई, वो हियरिंग जो मुंबई के 5 सितारा होटल में हुई, वो कहानी, वो आज आज रात आठ बजे YouTube पर स्पोर्ट्स तक पर आप लाइव आइए, आपके सवाल भी आ सकते हैं, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। राशिका, अतीत, विक्रांत और हमारे प्रथम जी, इन चारों को इजाज़त दीजिए। एक और सवाल, मेरा नाम ले लें बस, शैलेश शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच।